मृत्यु रतिवाल एंड यू आर विद अन अकेडमी स्टूडियोज प्लस सीबो इंडिया का नंबर वन चैनल है नीट और एम्स की प्रेपरेशन के लिए। यहाँ पर हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, साथ में आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। आज की क्लास में मैं तुमको इकाइनोडर्मेटा पढ़ाऊंगी और इतने बढ़िया तरीके से हम इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे, एक एक बार डिटेल में पढ़ेंगे एंड एवरीथिंग यू विल नो। जो भी तुम्हें नीट में जैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एम्स में जैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यू विल गेट टू नो इस लेक्चर में। इसका सब चीज़ों का, सभी क्वेश्चंस का आंसर इस लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आई होप सबको ऐप डाउनलोड करनी आती है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, टेलीग्राम लिखेंगे तो टेलीग्राम की ऐप दिखाएगा, फिर उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद ये लिंक डालेंगे, जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे, नीट प्लेसिबो डालेंगे आप, वैसे ही आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। जो बच्चे कहते हैं कि मैम हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, वहाँ तुम्हें मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा, इस चैनल के सभी टीचर्स का नोटिफिकेशन वहाँ मिलेगा। प्लस टीचर्स वहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस डालते रहते हैं बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए कि वो क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी है आगे, तो आप वो सब देख पाएंगे यदि आप टेलीग्राम पे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो अनअकैडमी प्लस ज़्यादातर बच्चों को पता है, जिन बच्चों को आइडिया नहीं है उन्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। अनअकैडमी प्लस इस सिचुएशन में जहाँ पे सिर्फ हमारे एग्ज़ाम में 5 महीने रह गए हैं, नवंबर का आज आखिरी दिन है, एक वरदान की तरह है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे जैसे YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वैसे यहाँ पे भी लाइव क्लासेस लगती हैं आप लोगों की। बस अनअकैडमी प्लस पे सिर्फ 6 टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, अनअकैडमी प्लस पे इंडिया के बेहतरीन 40 टीचर पढ़ाते हैं। 40 टीचर्स अपनी लाइव क्लासेस वहाँ पे देते हैं और वहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट करता है हर टीचर अपना, कई कई बार रिवीजन कराता है बच्चों को। उन्हीं टीचर्स में से एक मैं भी हूँ, इसका मतलब मैं भी अपना पूरा सिलेबस वहाँ पे पढ़ाऊँगी, जूलॉजी का, बॉटनी का, प्लस वन और प्लस टू का, ठीक है। मेरा फास्ट ट्रैक बैच है जो आज से शुरू होना था, पर उसको मैंने 2-3 दिन डिले कर दिया है क्योंकि अभी बहुत बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है उसके बारे में, अभी सुन लीजिए। 3 या 4 दिसंबर से, मोस्ट प्रोबेबली 4th of December से मैं अपना फास्ट ट्रैक बैच चलाऊंगी, जिसमें मैं सिर्फ 4 महीनों के अंदर आपका पूरा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, जो मैं अनअकैडमी में पहले पढ़ा चुकी हूँ वो भी, और जो नहीं पढ़ाया वो भी। एवरीथिंग आई विल कंप्लीट इन दिस फास्ट ट्रैक बैच एंड ऑल्सो आई विल मेक यू लर्न एवरीथिंग। हर चैप्टर को मैं तुम्हें लर्न करना सिखाऊंगी, कैसे लर्न करना है, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी की लाइनें कैसे लर्न करनी है, सब कुछ वहाँ पे कराऊंगी। इस फास्ट ट्रैक बैच के अलावा अभी मेरा ऑलरेडी एक बैच चल रहा है जिसमें मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रही हूँ। अगर तुमने वो नहीं सुना है या नहीं ज्वाइन किया और तुम करना चाहते हो तो बेटा जल्दी से जल्दी आज ही कर लो, ताकि ऑलरेडी मैं मोनेरा पढ़ा चुकी हूँ, उसमें प्रोटिस्टा पढ़ा चुकी हूँ, फंजाई आज मैंने ख़त्म किया है, कल मैं वायरस पढ़ाऊंगी वहाँ पे और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं वहाँ पे प्लांट किंगडम शुरू करूँगी। सो अगर ये चैप्टर्स तुम्हें डिफ़िकल्ट लगते हैं, तुम्हें एक सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी प्लस का। उस एक सब्सक्रिप्शन से मेरा क्रैश कोर्स भी तुम्हें मिलेगा, मेरा नॉर्मल बैच में भी तुम आ सकते हो, सभी टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं इनके बैचेस में भी तुम जा सकते हो, इनके अगर क्रैश कोर्स चल रहे हैं वहाँ भी तुम जा सकते हो, समझ रहे हो। सो एवरीथिंग इज देयर इन दिस वन सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो यहाँ पे हर टीचर अपने कुछ क्विज अपलोड करता है। अब वो तो ऑब्वियसली बात है ना, जैसे मैंने फंजाई पढ़ाया तो फंजाई के क्वेश्चन आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी ना, तो ऐसे ही हर टीचर अपने क्वेश्चन डालता है, तो आप किसी भी टीचर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नहीं कि आप जिनसे पढ़ रहे हो आप उन्हीं से प्रैक्टिस करोगे, आप 40 टीचर्स के क्वेश्चन में से जिस मर्जी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में ही आपको हर वीक पे एक 720 मार्क्स का मॉक टेस्ट मिलता है, नीट पैटर्न बेस्ड, 720 मार्क्स का मॉक टेस्ट नीट पैटर्न पे बेस्ड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी से आपका प्रैक्टिस होना है टाइम मैनेजमेंट का। 3 घंटे के अंदर तुम कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो, कैसे तुम तीनों सब्जेक्ट करोगे, ठीक है। अभी नहीं करोगे तो जान भी नहीं पाओगे, फिर नीट में सीधा ही सरप्राइज मिलेगा, धप्पा, है ना। सो अभी से प्रैक्टिस करके चलना है, प्लस तुम्हें आइडिया लगेगा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक दोबारा रिवाइज करना है, ये बहुत फायदेमंद है।
अब ये सब कुछ मिला के 40 टीचर्स के क्लासेस, उन टीचर्स के क्रैश कोर्स, मेरा क्रैश कोर्स, मेरा नॉर्मल बैच, क्विजेज, टेस्ट सीरीज, सब कुछ तुमको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेने पे मिलेगा। ठीक है, कॉमन सब्सक्रिप्शन है ये, पूरा आपके लिए दुनिया खुल जाती है ये एक सब्सक्रिप्शन पे। ये आपको कैसे लेना है, देखो आपको अनकैडमी लर्निंग ऐप, वही प्ले स्टोर पे गए, ये ऐप डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर लिया, फिर फ्रंट पेज खुलेगा, यहाँ पे नीचे प्लस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक किया, फिर और बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, कहाँ गया भैया, नीट एंड एम्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन पे। अभी गेट सब्सक्रिप्शन पे जाके ऐसे पूछेगा कौन सा आप कौन से समय के लिए लेना चाहते हो, एक महीने के लिए लेना चाहते हो, तीन महीने के लिए। ठीक है, नीट वाले 2020 वाले बच्चे 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन लेंगे क्योंकि अभी तुम्हारे पास 5 महीना बचा है। ठीक है, और जो प्लस वन में बच्चा अभी जो 2021 में नीट देगा वो ये 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन ले सकता है। 6 मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन 24,000 रुपीज़ का है फॉर एवरीथिंग, सिर्फ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, सभी सब्जेक््ट्स का है। 1 ईयर वाला सब्सक्रिप्शन 30,000 रुपीज़ का है। ठीक है, अब इसको कम करने का भी तरीका है, जितना कमी ऑलरेडी है और भी तुम कम कर सकते हो। कैसे, मान लो तुमने किसी एक पे क्लिक कर दिया, मान लो 1 ईयर वाले पे क्लिक कर दिया, अब तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा है 30,000, अब इसको पे नहीं करना, यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस आएगा और यहाँ पे अप्लाई का बटन आएगा, इसमें ये कोड भर देना रितु लाइव। ठीक है, ये कोड भर के अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना, वहीं पे तुम्हें 30,000 की जगह 27,000 दिखाने लग जाएगा, 10% ऑफ हो जाएगी तुम्हारी फीस जैसे ही तुम ये कोड डालते हो मेरे नाम का। ठीक है, दूसरी बात, तुम्हें मेरे नोट्स मिलेंगे सारे के सारे, जो भी मैं पढ़ाऊंगी इनकी PDF मिलेगी तुम्हें। तीसरी बात, तुम्हें मेरे बैच में आने का मौका मिलेगा, मेरे बैच में सीट मिलेगी इस कोड से। ठीक है, ऋतु मेरा नाम है और लाइव में वहां पे पढ़ाती हूँ। सो सिमिलरली 6 मंथ्स वाला जो कोर्स है वो आपको पहले 24,000 का पड़ रहा था, अब वो सिर्फ 21,600 का आपको पढ़ने लग जाएगा। चलिए इकाइनोडर्मेटा पढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट मी हैव सम वाटर। आओ बच्चों, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का मतलब है कांटा, ठीक है, डर्मेटा का मतलब है स्किन, जिसकी स्किन कांटेदार हो वो इकाइनोडर्मेटा कहलाता है। लिख दूं, इनके नाम का मतलब ही है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स इनके मतलब, नाम का मतलब है। कहाँ रहते हैं ये, अच्छा तुम्हें पहले एग्जांपल देती हूँ। जो सबसे पहले फोटो आई थी किसकी थी, वो दिस गाय हियर, वेयर इज ही दिस गाय, यू सी अ स्टारफिश, नाउ यू डोंट एक्सपेक्ट अ स्टारफिश टू बी ऑन द सैंड, तुम समुद्र के बाहर स्टारफिश को एक्सपेक्ट नहीं करते, ये बेचारी स्टारफिश एक्चुअली समुद्र की लहरों के साथ आके बाहर आ गई है, इसको अंदर होना चाहिए था। ठीक है, तो स्टारफिश देखने में तो स्मूथ लगती है, अब स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, तो तुम लोगों को लगता है यार इसकी स्किन पे कांटे तो है नहीं, कहाँ पे है। अब स्टारफिश क्या है, दूर से नॉर्मल दिखती है, अगर तुम इसके पास जाओगे तो इसकी स्किन पे ऐसे 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 छोटे छोटे ऐसे तीखे कांटे, नहीं कि तुम स्टारफिश को टच करोगे लो जी खून निकल गया, ऐसे नहीं, बहुत ही माइल्ड से ऐसे ऐसे स्पाइन्स होंगे इसकी बॉडी पे, इसीलिए इसे स्पाइनी स्किन्ड एनिमल कहते हैं। और ये सब के सब पानी में मिलते हैं, ये सैंड पे कोई नहीं मिलेगा, वो तो गलती से आ गई थी वो, इसलिए। सो दे आर ऑल एक्वाटिक, और सिर्फ ऑल एक्वाटिक नहीं, दे आर ऑल मरीन ऑल्सो, सिर्फ समुद्र के पानी में मिलता है। ऑल मरीन लिखना चाहती हूँ मैं, पता नहीं क्या बन गया, बट आई वॉन्ट टू राइट ऑल मरीन। ठीक है, सिर्फ समुद्र के पानी में मिलता है। ऐसी फाइलम्स जो सिर्फ समुद्र के पानी में मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, तीन पढ़ाई है मैंने तुम्हें, जल्दी जल्दी बोलो, याद करो, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ऐसी तीन फाइलम्स जो टोटली मरीन हैं। ठीक है, ये अपने को याद रखना है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब स्टारफिश की बॉडी में क्या होता है, कैसे सिस्टम्स होते हैं, मैं तुम्हें सब समझाऊंगी, पहले इसके बेसिक फीचर्स कर लें जो कि तुम्हें पहले से ही आते हैं, है ना, बस मुझे लिखवाना है कि बेसिक बेसिक फीचर्स इस फाइलम के कौन कौन से होते हैं, आओ लिखवा देती हूँ।
जिन बच्चों को नहीं आता, मैं समझ सकती हूं इसका मतलब ये है कि तुमने मेरी पहली दो क्लासेस नहीं लगाई हैं एनिमल किंगडम वाली, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सो वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे ही तुम लगाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिखने की कोशिश कर रही हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है इनमें, मतलब कि भैया देखो सभी एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं लेकिन उनके सेल्स किस रूप में अरेंज्ड हैं, टिश्यू के रूप में अरेंज्ड है या टिश्यू से ऑर्गन बन गया है या ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी बन चुका है। ऑर्गन सिस्टम हाईली एडवांस्ड लेवल है। अब ऑर्गन सिस्टम बहुत पहले आ गया था इकाइनोडर्मेटा में तो होना ही होना है। एस्केल्मेंथीज से आगे आगे सब में ऑर्गन सिस्टम है, एस्केल्मेंथीज में भी ऑर्गन सिस्टम है, बार बार बताती रहती हूँ। ऑर्गन सिस्टम लेवल ठीक है, एस्केल्मेंथीज में था, उससे पहले प्लैटीएल्मेंथीज में नहीं था, सिर्फ ऑर्गन था, ऑर्गन सिस्टम आया एस्केल्मेंथीज में ठीक है। देन पहली बात, दूसरी बात बात बॉडी प्लान। बॉडी प्लान क्या है इनका, अब तक तो याद हो गया है ट्यूब विद इन ट्यूब, अब तक तो मेरे प्यारे बच्चों को याद हो चुका है, बहुत बहुत बार पढ़ाती हूँ। एस्केल्मेंथीज से शुरू हुआ था। अगली बात जर्म लेयर्स, कितनी जर्म लेयर्स मैक्सिमम हो सकती हैं, तीन, तीन ही होती है इसके पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन जर्म लेयर्स। पहली बार कहाँ आई थी तीन जर्म लेयर्स, प्लैटीहेल्मिंथीज वाज द फर्स्ट फाइलम टू हैव थ्री जर्म लेयर्स, उसके बाद सभी के पास तीन जर्म लेयर्स आएंगी। एनिमल किंगडम में ऐसे होता है ना, कोई एडवांस्ड फीचर आ जाता है तो फिर वो चलता ही रहता है, कभी हार्डली कभी ऐसा होता है कि कहीं आगे जाके वो एडवांस्ड जो है प्रिमिटिव फीचर में चेंज हो जाए, नहीं तो जनरली जहां पे एडवांस आ गया वो एडवांस्ड ही चलता रहता है। आगे जर्म लेयर्स के बाद क्या पढ़ना होता है अपन, सिमेट्री। सिमेट्री कौन सी होती है एडवांस्ड वाली, बायलेटरल सिमेट्री। तो इसमें गलत लिखने वाली थी, बच गई, बायलेटरल सिमेट्री एडवांस्ड है मान लिया हमने। बायलेटरल सिमेट्री कहां से आ गई थी, प्लैटीहेल्मिंथीज से आगे सब में बायलेटरल सिमेट्री थी। रेडियल सिमेट्री कहाँ थी, नाइडेरिया और टीनोफोरा, और रेडियल सिमेट्री प्रिमिटिव सिमेट्री है क्योंकि वो जनरली ऐसे एनिमल्स के पास होती है जो मूव नहीं करते। देखो रेडियल सिमेट्री में होता है ना, ऐसे मूव नहीं करते तो वो हर जगह से शिकार पकड़ सकते हैं, हर जगह से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। रेडियल सिमेट्री ऐसी होती है ना गोल फूल की तरह। इकाइनोडर्मेटा में अगेन रेडियल सिमेट्री आ गई है, सो मैं बायलेटरल लिखते लिखते बची हूँ। क्यों, याद करो तीन फाइलम जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, नाइडेरिया, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। सो उत्तर आना चाहिए था यहां पे रेडियल सिमेट्री, गलती होने वाली थी, तुमसे भी हो सकती है, ध्यान रखो। अब देखो स्टारफिश तो तुम कहोगे यार मैम ये तो चलती है तो इसमें रेडियल सिमेट्री क्यों है। भाई लोग देखो स्टारफिश बहुत धीरे चलती है, ठीक है, इतना धीरे चलती है, इतना धीरे चलती है तो उसको भी चारों तरफ से अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए, पहली बात तो उसके पास सारी तरह साइड से आर्म्स हैं। देन याद करो बायलेटरल सिमेट्री क्यों शुरू हुई थी, बायलेटरल सिमेट्री हेड एंड बन गया था, एक टेल एंड बन गया था, है ना। तो बायलेटरली सिमेट्री का एनिमल जब भी तैरता था तो वो नए इन्वायरमेंट से, ये सिर पहले जाता था उसका नए इन्वायरमेंट में, है ना, तो उसके पास सेंस ऑर्गन्स थे हेड पे, सो वो नए इन्वायरमेंट को बहुत सही से भांप लेता था कि सही इन्वायरमेंट है कि नहीं है, है ना। जैसे ही हेड एंड बना, हेड बना जैसे ही, वैसे ही बायलेटरल सिमेट्री आई थी। अब स्टारफिश इतना धीरे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है धीरे धीरे धीरे, उसको हेड हुड की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो बायलेटरल सिमेट्री उसमें से खत्म हो गई, रेडियल सिमेट्री आ गई। अभी स्टारफिश का लार्वा बायलेटरल होता है लेकिन एडल्ट रेडियल सिमेट्रिकल होता है, तो आप हमेशा एडल्ट से ही देखते हो तो एज अ फाइलम ये रेडियली सिमेट्रिकल है। आगे आ जाओ सीलोम। सीलोम सबसे एडवांस सीलोम यू सीलोम है, लेकिन याद करो यू सीलोम में भी दो प्रकार की सीलोम थी, शाइजोसीलोम और एंटेरोसीलोम, बता चुकी हूँ पहले के लेक्चर्स में, है ना। शाइजोसीलोम थोड़ी प्रिमिटिव है, यू सीलोम में भी शाइजोसीलोम हल्की से प्रिमिटिव है और एंटेरोसीलोम बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इकाइनोडर्मेटा में पहली बार एंटेरोसीलोम आई है, ई से इकाइनोडर्मेटा, ई से एंटेरोसीलोम। अब जो बच्चे
मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं कि मैम आपने इसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ बेटा, पर ये जो चीज़ है ना ये स्टार्टिंग में कराती हूँ, पूरे फाइलम के स्टार्टिंग में पहले किया हुआ है, ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि तुम्हारा रिविजन हो जाए। सो ये चीज़ के लिए आपको पहली दो क्लासेस लगानी पड़ेंगी, उसके बाद अब जो पढ़ाऊंगी वो बिल्कुल नया होगा, वो बिल्कुल स्टारफिश का अभी अभी ताज़ा ताज़ा इन्फॉर्मेशन है जो मैं दे रही हूँ, ठीक है। आओ चल देखते हैं, इतनी बात करूँ जितनी मैंने अभी बात कर ली वो पढ़ लेते हैं एक बार। आओ, दीज एनिमल्स हैव अ, अच्छा ये तो सीधा ही एंडोस्केलेटन पे पहुंच गए, तो अभी नहीं रुक जाओ, फिर तो अब तुम्हें बना के दिखाना पड़ेगा मुझे। काहे काहे काहे, चलो अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें, एक स्टारफिश पकड़ लेते हैं, वही है अपा, एक स्टारफिश का डायग्राम करेंगे, अपने सारे पॉइंट अपने को आ जाएंगे, जितने पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं एक दो डायग्राम्स में हम सब समझ लेंगे, ठीक है। लाओ, ये रही हमारी स्टारफिश, ओके ऐसी तुम्हें स्टारफिश दिख रही है, ओके नाउ ये स्टारफिश तुम्हें लगता होगा इसका माउथ कहाँ पे है, इसका एनस कहाँ पे है, कुछ पता नहीं चल रहा है ना, फ्लैट डिस्क लग रही है, इसकी पांच बाजुएं तुमको नजर आ रही है। देखो जो इसका वेंट्रल साइड है, जो इसका नीचे वाला साइड है, वहां पे इसका माउथ है, ठीक है। तो ये अपना नीचे माउथ, अब तुम ऐसे इमेजिन कर लो मिट्टी में रगड़ती हुई जा रही है, ठीक है, और जो इसका टॉप पार्ट है वहाँ इसका एनस है। तो अगर तुम्हें कभी कोई स्टारफिश मिले जिंदी, तो जब तुम उसके ऊपर हाथ लगाने लगो तो याद करना ऊपर क्या है, उसके टॉप पे क्या है, उसका एनस है, तो सोच समझ के हाथ लगाना, ओके। सो इट्स एनस इज समवेयर हियर एंड माउथ हमें देख नहीं सकता क्योंकि वेंट्रल पे है। सो क्या मैं यहाँ पे एनस लिख लूँ तो बुरी तो नहीं मानोगे तुम लोग, ठीक है। अब देखो ये ओरल एंड नहीं है, मतलब कि ओरल एंड होता है जहाँ पे माउथ है, तो ओरल एंड नीचे है, तो इस वाले एंड को मैं क्या बोलूँगी, डॉर्सल सरफेस को, एब ओरल एंड, जहाँ पे ओरल एंड नहीं है, तो मैं ये लिख दूँ डॉर्सल सरफेस, डॉर्सल सरफेस इज एब ओरल एंड। एक बात तो अपने को ये याद रखनी है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दी हुई है ये पॉइंट, तो डॉर्सल सरफेस जो है वो एब ओरल है और जो वेंट्रल सरफेस है वो ओरल सरफेस है, पहले पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, ये स्टारफिश की स्किन जो है ऐसे उबड़ खाबड़ है, ऐसे ऐसे स्किन, ऐसे ऐसे स्पाइनी स्किन नहीं है ना, तो अब ये स्पाइनी स्किन क्यों है, इसका मेरे को तुमको सोल्यूशन देना पड़ेगा क्यों है। तो इसके लिए क्या है कि स्टारफिश को जरा तोड़ दो, ठीक है, पूरी उसके ऊपर से सारा कवर कुवर हटा दो और उसके अंदर देखते हैं, अभी स्टारफिश को ऐसे रिप ऑफ कर दो, ठीक है। तो अंदर से तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा, स्टारफिश के अंदर छोटी छोटी बोनी प्लेट्स हैं इसकी बॉडी के अंदर, विच इज़ वियर्ड क्योंकि अभी तक तुमने नॉन कॉर्डेट्स में ऐसे बोन लाइक स्ट्रक्चर देखा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा नॉन कॉर्ड है जिसकी बॉडी में बोन लाइक स्ट्रक्चर की प्लेट्स होती हैं छोटी छोटी, सो इट हैज़ अ एंडोस्केलेटन, ठीक है, एक्सोस्केलेटन नहीं है, जैसे कॉकरोच की तो बॉडी के बाहर स्केलेटन है ना काइटिन का, वो एक्सोस्केलेटन है, इसके अंदर जैसे ह्यूमन बींग्स का क्या है, एक्सो है कि एंडो है, मेरे बाहर तो कोई कवर नहीं है लेकिन मेरी बॉडी के अंदर बोन्स है तो मेरे पास एंडोस्केलेटन है ना, वैसे स्टारफिश के पास भी एंडोस्केलेटन होता है और बोन का होता है। मैं दिखाती हूँ कैसे, पहले थे रुको, मैंने स्टारफिश की सारी मसल उखाड़ दी है सब कुछ, तो मुझे ऐसे ना बोनी प्लेट्स नजर आ रही हैं ऐसे स्टारफिश की बॉडी में, कैन यू इमेजिन, ऑल दो आई एम हेल्पिंग यू टू इमेजिन, लेकिन थोड़ी इमेजिनेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी तुम्हें, ऐसे ये बोनी प्लेट्स ऐसे, ऐसे, ठीक है, बोनी प्लेट्स होती हैं ये। बोनी प्लेट्स एक तो स्टारफिश को स्ट्रेंथ देती हैं, उसकी बाजुओं को स्ट्रेंथ देती हैं, प्लस ये ना बहुत फ्लेक्सिबल मसल्स से आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये स्टारफिश की जो बाजू है वो फ्लेक्सिबल भी है, इट इज़ नॉट स्टिफ, ऐसे नहीं है स्टारफिश ऐसे करती हुई नहीं जाती है,
इट इज़ वेरी, तुमने देखा होगा शुरू में जो वो थी इमेज थी, मूविंग इमेज थी, उसमें एक कैसे स्टारफिश की बाजू से मूव कर रही थी, है ना. सो इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वेरी फ्लेक्सिबल मसल्स. ये रेड में मैं मसल्स बना रही हूँ, ठीक है, ऐसे मसल्स से कनेक्टेड है, लाइक दिस, विच मेक्स स्टारफिश फ्लेक्सिबल ऑल्सो एंड स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. अब मैं सारी नहीं बनाऊंगी, इमेजिन कर लो तुम लोग, ठीक है, खुद इमेजिन कर लो, लाइक दिस. ओके, सो मैं इसको लेबल कर रही हूँ. दीज बोनी प्लेट्स आर कॉल्ड ऑसिकल्स. बोनी ऑसिकल्स लिख दूँ तो ज़्यादा तुम्हें समझ में आएगा, बोनी ऑसिकल्स. ओके, नाउ ये बोनी ऑसिकल्स मीजोडर्म से डिराइव्ड होती है. तीन जर्म लेयर है इसके पास. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है ना, तीन जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म. अब भाई मीजोडर्म से डिराइव्ड हैं ये बोनी प्लेट्स. अब याद करो हमारा एंडोस्केलेटन किससे डिराइव्ड होता है, मीजोडर्म से. बोन्स आर मेड अप ऑफ मीजोडर्म, ऑल कनेक्टिव टिश्यू इज मेड अप ऑफ मीजोडर्म. सो स्टारफिश और हमारे अंदर ये कॉमन चीज है. बोथ ऑफ अस हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ बोन्स मेड अप ऑफ मीजोडर्मल सेल्स. दैट इज व्हाई दिस गाय कौन, इकाइनोडर्मेटा इज क्लोजेस्ट टू कॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा से भी क्लोज है कॉर्डेटा के इकाइनोडर्मेटा. ओके, सो मैं लिख रही हूँ बोनी ऑसिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म. ये डिराइव्ड है बच्चों, तुम समझते हो, कभी कभी मैं झोल माल कर देती हूँ तो देख लिया करो क्या लिखा है, डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म. ओके, दीज आर मसल्स, ये रेड वाली मसल्स है. एक तो ये बात है. दूसरी बात, अब मैं ये बताना चाहती थी कि स्टारफिश का जो स्किन का सरफेस है वो ऐसे उबड़ खाबड़ रफ क्यों है. देखो वो रफ इसलिए है मेरे प्यारे बच्चों, ऑसिकल्स प्लेट है ना, अब इनके ऊपर कुछ ऐसे वर्टिकल बोनी प्लेट्स ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे ऐसे ऐसे. ओके, वर्टिकल बोनी प्लेट्स इनके ऊपर ऐसे लगी हुई है, विच आर कॉल्ड ट्यूबरकल्स. ट्यूबरकल, हालांकि ये नीट में नहीं आएगा. अब ट्यूबरकल के होने की वजह से स्टारफिश का जो स्किन का सरफेस है, मतलब ये ऐसे स्किन का सरफेस है ना, तो वो ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे. इनफैक्ट इसके ऊपर तो स्किन भी नहीं होती, ये खुद ही ऐसे बाहर निकले होते हैं, ऐसे ऐसे. समझ में आया अब ये स्पाइनी स्किन क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो ट्यूबरकल्स हैं ये ऐसे ऐसे करके बाहर निकली हुई है. ऐसे लग रहा है ना मैं डांस कर रही हूँ, बट समझ रहे हो ना, ऐसे ट्यूबरकल ऐसे बाहर निकली हुई है. That is why they are spiny skinned. So I hope I have answered one major question. Now, और भी मुझे थोड़ी इसकी जो epidermis है उसके surface के बारे में मुझे तुमसे बात करनी है. यहीं पर कर लूँ, यहाँ पर भी किया जा सकता है, या आई कैन मेक अ सेपरेट डायग्राम. ओके, तो अब स्किन का सर्फेस की बात चली है तो थोड़ा सा और स्किन के सर्फेस की बात कर लेते हैं. आओ, सर्फेस ऑफ स्टारफिश, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हाथ लग जाएंगी हमारे, है ना. मान लो ये स्टारफिश की बाजू है, समझ रहे हो ना. देखो स्टारफिश की बाजू के नीचे वाले एंड में, हर एक बाजू के नीचे वाले एंड में तुम्हें बहुत पतले पतले थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस. हालांकि आई हैव नॉट मेड देम वेरी नाइस, बट यू कैन इमेजिन हाउ दे लुक लाइक. ओके, एक्चुअली दे आर नॉट अटैच्ड हियर, वो नीचे से और ज़्यादा नीचे से अटैच्ड होते हैं, तो मुझे ये मिटा देने चाहिए. आई विल जस्ट मेक लाइक दिस, दिस इज बेटर. थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर विच विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्टारफिश, दीज आर कॉल्ड ट्यूब फीट. ये ट्यूब फीट भी तुमने बहुत सुंदर तरीके से देखे होंगे. अब मैं दोबारा से दिखा रही हूँ, उसके बाद नहीं दिखाऊंगी. दिस इज द लास्ट टाइम आई एम शोइंग यू द ट्यूब फीट. वेट, ये देखो. ओके ओके, मूव फॉरवर्ड लेडी, यू सी दिस, यू सी दिस, यू सी दिस, दिस दिस थिंग. ये क्या है जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं इसके लेग के नीचे, जब ये लेग ऐसे उठा रही है, देख रहे हो, लेग बाजू जो मर्जी बोल लो. यू सी दिस, हाउ क्लियरली विजिबल आर दीज थिंग्स, दीज आर कॉल्ड ट्यूब फीट. ओके, एंड शी हैज थाउजेंड्स ऑफ देम एंड शी मूव्स लाइक दिस ऑन दीज फीट. ओके, सो मैं बनाना चाह रही हूँ नीचे की साइड ट्यूब फीट. वेर आर यू, वेर आर यू, वेर आर यू. ओके, शी इज हियर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द टॉप सरफेस अ लिटिल बिट. यू सी
टॉप सरफेस पे तुमको यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे स्पाइन्स नजर आएंगे, है ना, स्पाइनी स्किन है ये, वो ट्यूबरकल्स नजर आएंगे, बोनी प्लेट्स नजर आएंगे, है ना, लाइक दिस. तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. व्हाट एल्स विल यू सी? यू विल सी समथिंग स्पेशल. यू विल सी, जैसे यहाँ पे इसका सीलोम है ना, कैविटी है ना बॉडी सीलोम में, सीलोम का ही ऐसे प्रोजेक्शन तुमको ऐसे नजर आएगा. इतना बड़ा नहीं, ऑफ कोर्स दीज आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, बट आई एम मेकिंग देम बिग लाइक दिस. ओके, सीलोम का प्रोजेक्शन है बाहर की साइड, इसको बोलते हैं डर्मल ब्रैंकी. डर्मल ब्रैंकी प्लूरल है ये, ठीक है. इसको डर्मल पैप्यूला भी बोलते हैं, पैप्यूले प्लूरल हो गया. क्या है, देखो इसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है. यू कैन इमेजिन? ओके, यू कैन नॉट इमेजिन, सो आई विल हेल्प यू इमेजिन. दे आर एम्प्टी, नॉट एम्प्टी एक्चुअली, दे आर फिल्ड विद द सीलोमिक फ्लूइड फ्रॉम विद इन, ऐसे सीलोमिक फ्लूइड में भरा होता है. अब सीलोमिक फ्लूइड यार देखो, सीधी सी बात है, जहां पे भी सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है ना, उसका दो ही वो है, फायदा है, या तो यहाँ से गैसेस एक्सचेंज कर लो, बहुत इजीली हो जाएगा, या यहाँ से एक्सक्रीशन कर लो, थोड़ा सा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दो. तो ये जनरली रेस्पिरेशन के काम आती है, जनरली दे हेल्प इन लिटिल बिट रेस्पिरेशन. और तो और ट्यूब फीट भी रेस्पिरेशन के काम आते हैं, लेकिन ट्यूब फीट कैसे रेस्पिरेशन के काम आते हैं वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी. ट्यूब फीट ऑल्सो हेल्प इन, मतलब ऑफ कोर्स दे हेल्प इन लोकोमोशन, बट रेस्पिरेशन ऑल्सो, हाउ आई टेल यू. ओके, देन वन थिंग दे यू विल फाइंड हियर इज अ वेरी वियर्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस. इट इज लाइक जैसे, ओके, समथिंग लाइक दिस. नॉट इतना मैं सुंदर नहीं बना पा रही हूँ, बट इट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, दे आर लाइक दिस, जैसे ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे करती रहती हैं ये. दीज आर कॉल्ड पेडिसिलरी, अगेन प्लूरल, पेडिसिलरी, ठीक है. पेडिसिलरी क्या करता है, स्टारफिश के ना स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टारफिश के लिए, ठीक है. तो रेस्पिरेशन होती है, एक्सक्रेशन होती है, स्किन सी होती है, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर तो है नहीं इनके पास, ठीक है. अभी देखो कितना प्रिमिटिव फीचर है ये, रेस्पिरेशन के लिए स्ट्रक्चर हमारे पास आर्थ्रोपोडा में आ गया था, है ना, लेकिन मोलस्का में भी था, टिनिडिया फेदर गिल था. इनके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ट्यूब फीट थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन करता है. सो जनरल बॉडी सर्फेस हो गया एक, ये प्रिमिटिव स्ट्रक्चर आ गया, रेडियल सिमेट्री प्रिमिटिव स्ट्रक्चर आ गया, है ना, पहले बायलेटरल सिमेट्री होता था. देन एक्सक्रीशन के लिए भी इनके पास कुछ है नहीं, तो जनरल बॉडी सरफेस से चलता रहता है काम, ठीक है, और थोड़ा बहुत एनस से रिमूव हो जाता है. सो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर खत्म हो गया. एक्सक्रीटरी तो प्लैटी हेलमिंथीज में आया था फर्स्ट बार, याद है, फ्लेम सेल प्लैटी हेलमिंथीज में पहली बार आया था. सो ये कितना प्रिमिटिव सा फाइलम है, एंड येट दे आर क्लोजेस्ट टू कॉर्डेटा, वियर्ड है ना. नाउ सो पेडिसिलरी का क्या काम है, अब मैंने तुम्हें स्किन की इंपॉर्टेंस बताई इसमें. ये क्या करता है, अब ये स्किन पे गंदपन फैलता रहता है ना, तो ये अपनी स्किन ऐसे साफ करती रहती है, समझते हो, अपना ही क्लीनिंग सी करती रहती है. सो तुम्हें यहाँ पे पेडिसिलरी देखने को मिल जाएगी. ऑल दो दे आर माइक्रोस्कोपिक, ऐसा नहीं है कि तुम स्टारफिश देखोगे उसमें ऐसे ऐसे तुम्हारा नाक ही पकड़ ले, वो ऐसे नहीं, दे माइक्रोस्कोपिक. ओके, नाउ ये तो कुछ ऊपर ऊपर के स्ट्रक्चर्स थे, ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है. आई हाईली डाउट कि पेडिसिलरी तुमसे कभी पूछा जाएगा नीट में. जो इम्पॉर्टेंट है वो अब बता रही हूँ. इधर आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ. ये हो गया, ये हो गया. नाउ लेट मी शो यू. सो इमेजिन दिस एज अ ट्रांसपेरेंट स्टारफिश, इसको ट्रांसपेरेंट इमेजिन कर लो. दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर विच इज कॉल्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम. प्लीज रिमेंबर, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू विल स्टडी इन द कंप्लीट एनिमल किंगडम, वाटर वैस्क्यूलर सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम. एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम, ओके ओके. व्हाट इज द टाइम, हाउ मच टाइम डू वी हैव, है
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टाइम है कम, आज क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई थी। चलो लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस। देखो क्या होता है, व्हाट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम, एंड प्लीज डोंट कॉल इट कैनाल सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी कैनाल्स आने वाली हैं, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन करेगा ये कैनाल सिस्टम है, आई थिंक इट इज कैनाल सिस्टम। प्लीज प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम दैट। कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन पॉरीफेरा। ओके, सो रिमेंबर, जो पहली फाइलम है, एनिमल किंगडम में जाने के लिए ही एक कैनाल है, एनिमल किंगडम शुरू करने के लिए ही कैनाल है। कैनाल सिस्टम सबसे पहली वाली फाइलम में मिलता है पॉरीफेरा। दिस इज नॉट कैनाल सिस्टम। व्हाट इज इट, लेट मी टेल यू, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। हियर यू फाइंड अ प्लेट ऑन द डॉर्सल सरफेस। ओके, नाउ इमेजिन दिस इज अ ट्रांसपेरेंट फिश, नॉट फिश, आई एम सो सॉरी, स्टार फिश। ओके, दिस इज अ मिसनॉमर, ये फिश नहीं है, सारी फिश कॉर्डेटा में आती है, इट इज अ गलत नाम, झूठा नाम है ये। ओके, सो द डॉर्सल सर्फेस ऑफ स्टार फिश, यू फाइंड अ प्लेट, छलनी जैसी प्लेट है, बहुत सारे होल्स हैं इस प्लेट में। ओके, दिस इज कॉल्ड मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट से स्टार फिश की बॉडी के अंदर पानी जाता है, इमेजिन करो। ठीक है, वैसे तुम्हारे लिए इमेजिन करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तुमने देखा था पॉरीफेरा की भी बॉडी के अंदर पानी जाता है कैनाल सिस्टम से, तुमने देखा था मोलस्का की भी बॉडी के अंदर पानी जाता है मेंटल कैविटी में, तो बड़े एनिमल्स हैं, हमें बहुत अजीब लगता है, सोचो ह्यूमन की बॉडी में पानी जाके निकलता रहे, वैसे वी डू इट बट इन अ वेरी डिफरेंट सेंस, बट ओके। नाउ सो वाटर इज एंटरिंग थ्रू दिस मैड्रीपोराइट, दिस इज द वाटर विच इज एंटरिंग। ओके, वेयर इज इट गोइंग, इट इज गोइंग टू अ कैनाल विच इज गोइंग इन साइड द बॉडी लाइक दिस, सो यू हैव टू इमेजिन इट एज अ ट्रांसपेरेंट फिश। ओके, सो ये इसका डॉर्सल सरफेस है, ये इसका डॉर्सल सरफेस है, नाउ यू इमेजिन, ओके, इन साइड। ओके, सो इट इज गोइंग इन साइड, दिस कैनाल इज कॉल्ड स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल के अंदर पानी जाएगा, है ना, कैन यू इमेजिन, यहाँ से पानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से स्टोन कैनाल के अंदर पानी चला गया। अब स्टोन कैनाल इस पानी को डालेगी एक और कैनाल में, दिस कैनाल यू हैव टू इमेजिन लाइक अ रिंग, लाइक अ रिंग, लाइक दिस, ओके, लाइक अ रिंग, ओके, लाइक दिस। ओके, एंड इट इज गोइंग टू पुट स्टोन कैनाल, अपना पानी इस कैनाल में डालेगी जो कि गोल है इस तरीके से, यू कैन इमेजिन इन द सेंटर ऑफ द स्टार फिश देर इज अ कैनाल लाइक अ रिंग, तो नाम से ही पता चल रहा है, शेप से ही पता चल रहा है, दिस मस्ट बी कॉल अ रिंग कैनाल, रिंग कैनाल, तो रिंग कैनाल के अंदर पानी चला गया। नाउ यू हैव टू इमेजिन अनदर कैनाल, ओके, अनदर कैनाल, अनदर कैनाल, फाइव सच कैनाल्स एंड दे आर गोइंग इन साइड ईच आर्म लाइक दिस, कैन यू इमेजिन, दे आर गोइंग इन साइड ईच आर्म लाइक दिस, यू हैव टू इमेजिन, ओके, आई डोंट केयर इफ यू कैन और नॉट, लाइक दिस, ओके, एंड दैट साइड ऑल्सो समथिंग लाइक दैट, ओके, बट लेट्स नॉट मेक दैट बिकॉज ये खचपच मच जाएगा यहाँ पे, ओके, लाइक दिस, दीज विल बी फिल्ड विद वॉटर नाउ, these will be filled with water like this, like this, like this, like this, एक एक है हर एक बाजू में, these are called radial canals like this, right, let's write it, these are called radial canals, क्या पढ़ा मैंने, पढ़ाया मैंने मैड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल में, स्टोन कैनाल कहाँ लिखा है, ओके, आई होप ये दिस इज स्टोन कैनाल, ओके, हाउ डू वी, मैड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल में, फिर रिंग कैनाल में, फिर रेडियल कैनाल में, अब ये पानी क्यों जा रहा है भाई, वहाँ पे क्यों जा रहा है, अब अल्टीमेटली ये पानी जाएगा इनटू समथिंग कॉल्ड ट्यूब फीट, इसके यहाँ पे हजारों ट्यूब फीट लगे हुए हैं ऐसे, एंड दिस वाटर इज कमिंग इन द ट्यूब फीट ऑन बोथ साइड्स एक्चुअली, ऑन दैट साइड ऑल्सो, बट इट इज ट्रांसपेरेंट सो यू आर एबल टू सी, है ना, हम ट्रांसपेरेंट फिश बना रहे हैं, स्टार फिश बना रहे हैं, इसलिए आप देख पा रहे हो, द वॉटर विल अल्टीमेटली गो टू द ट्यूब फिट ऐसे, और फिर यहाँ से क्या होगा, बहुत ही प्रेशर के साथ ये ऐसे बाहर निकलेगा पानी ट्यूब फिट में से,
अब भैया स्टारफिश को इतनी क्या मस्ती चढ़ी है कि अपने मैं तो मैड्रिपोराइट में से पानी घुसा के ट्यूब फीट में से निकालूंगी, मुझे बहुत मजे आते हैं, हैं बहुत मजे आते हैं मुझे तो, क्या मजे आते हैं उसको। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्टारफिश। स्टारफिश के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहली बात तो वो इससे चलती है, इस पानी से चलती है वो, लेकिन ये जेट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। कहीं तुम इमेजिन करो कि स्टारफिश अपने पैर सारे के सारे उठाएगी छुश छुश और पीछे पानी फेंकेगी और आगे छुश जाएगी। जेट प्रोपल्शन सिस्टम ऑक्टोपस में था, ऑक्टोपस करता था ना पीछे पानी फेंकता था आगे तेजी से भागता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पता कैसा है, इमेजिन इट नाउ, यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन। जैसे मुझे, मैं स्टारफिश हूँ, ठीक है, ओके मैं स्टारफिश हूँ और मुझे तुम्हारी साइड आना है, तो मैं क्या करूँगी, जैसे मुझे तुम्हारी साइड आना तो मैं करूँगी छुश, तुम्हारी साइड पे पैर रखूँगी, ठीक है, पानी ऐसे जाएगा छुश, फिर मैं आगे वहाँ पे अपने पैर ऐसे करूँगी ठिठ। अब यहाँ पे ना सक्शन हो जाती है, सक्शन एनर्जी होती है, तो ये ज़मीन पे गड़ गए बहुत अच्छी तरीके से। देन आई विल मूव माई होल बॉडी इन पैरों के ऊपर, देन अगेन छुश आगे रखूँगी, देन आई विल मूव माई होल बॉडी। अब देर आर थाउजेंड्स ऑफ देम, सो यू कैन इमेजिन हाउ स्टार फिश इज मूविंग। ओके, सो वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पहला एपरेंट फंक्शन जो मुझे, तुम्हें भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, फंक्शन क्या है इसका? पहला फंक्शन लोकोमोशन। ओके, सेकंड फंक्शन, जब पानी यहां से जा रहा है, अब बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, थोड़ा सा ऑक्सीजन भी ले ही लो इससे, CO2 भी इसे दे ही दो, तो रेस्पिरेशन भी कर लो ट्यूब फीट से जरा। सेकंड फंक्शन इज रेस्पिरेशन। एंड थर्ड फंक्शन इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार फंक्शन है, इट इज कैप्चर ऑफ प्रे। ठीक है, ये शिकार करने के लिए वाटर वैस्कुलर सिस्टम का यूज करती है। अब तुम सोच रहे हो कैसे, मैं तुम्हें बताती हूँ, इट्स वेरी प्रीटी प्रीटी इंटरेस्टिंग। ओके, हाउ डू वी हैव, ओके 37 मिनट्स आर गॉन, वी हैव टू फिनिश दिस नाउ। देखो शिकार कैसे करती है ये। ओके, दिस इज अ स्टारफिश। ओके ओके, दिस इज अ क्लैम, यू रिमेंबर क्लैम्स, दिस इज अ बाइवेल्व, इमेजिन बाइवेल्व, मोलस्का, बाइवेल्विया, यूनियो, यूनियो फ्रेश वाटर मजल होता था, जिसमें जिनके पास दो वो होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, दे हैव टू शेल्स ऐसे करके ऐसे, है ना। तो स्टारफिश का फेवरेट भोजन होता है क्लैम्स, ठीक है ऐसे। अब देखो एक्चुअल जो जानवर होता है वो अंदर होता है, और दो जो शेल होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे उसको अंदर जानवर को बंद करके रखा होता है। स्टारफिश को बहुत मजा आते हैं खाने में, ठीक है, तो ये ऐसे टाइट इसकी मसल्स होती हैं, यहाँ पे मसल से ऐसे बंद करके रखता है। नाउ स्टारफिश बीइंग वेरी वेरी इंटेलिजेंट डज दिस, शी सेज कि आओ बेटा, आओ राजा, तुम्हें मैं बताती हूँ। स्टारफिश का माउथ कहाँ पे, वेंट्रल सरफेस पे ना, वेंट्रल सरफेस पे, ऐसे वो ऐसे आ रही है, ऐसे करके ऐसे करती हुई आ रही है अपने ट्यूब फीट से, उसका माउथ नीचे। जब वो क्लैम के पास पहुंची, उसने अपना माउथ क्लैम की तरफ किया, ठीक है, शी इज यू नो फेस टू फेस विद द क्लैम नाउ। नाउ व्हाट शी विल डू, शी विल पुट हर लेग्स हियर लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस ऑन बोथ साइड्स, कैन यू इमेजिन, 1 2 3, सो 4 और 5 यहीं पे बना देते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, दोनों साइड से ऐसे पकड़ लेती है। और ट्यूब फीट में क्या होता है, सक्शन होता है, जैसे जब भी ट्यूब फीट पानी निकालते हैं छश करके, उसके बाद सक्शन हो जाता है वहाँ पे, है ना, दे कैन सक, सो दे होल्ड इट लाइक दिस, सो बहुत ट्यूब फीट से बहुत फर्मली होल्ड कर लेती है इसका क्लैम का ये दोनों शेल्स, एंड देन शी पुल्स लाइक दिस, देन शी पुल्स लाइक दिस विद हर आर्म्स। ओके, और क्लैम भी बेचारा जोर लगाता है कि मैं नहीं खोलूंगा, उसकी जान का सवाल है ऑफकोर्स, लेकिन क्लैम में दिक्कत यह है कि वो अपनी मसल्स को लगातार कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रख सकता, वो थोड़े टाइम बाद थक जाएगा, एंड इट विल ओपन लाइक दिस, एंड ये यहाँ पे, सो यू कैन इमेजिन दिस इज द वेंट्रल सरफेस राइट नाउ, तो यहाँ पे माउथ है, माउथ ऑन वेंट्रल सरफेस, माउथ ऑन वेंट्रल सरफेस, और तुम्हें पता नहीं है कितना भयानक क्या करती है, तुम्हें सोच भी नहीं सकते, शी हैज द एबिलिटी टू पुश हर स्टमक आउट ऑफ हर माउथ, अपने स्टमक को अपने मुंह से बाहर निकाल देती है, और क्या करती है पता है, शी पुशेस हर स्टमक इन टू द बाइवेल्व, बाइवेल्व का वो ऐसे खोल के अपना स्टमक उसके अंदर घुसा देती है, अपनी डाइजेस्टिव जूसेस उसके ऊपर रिलीज करती है, वहीं पे उसको डाइजेस्ट करके खा जाती है। प्रीटी ब्रूटल ऑफ हर, बट दिस इज हाउ नेचर वर्क्स।
सो देखो वाटर कैनाल सिस्टम की वजह से, क्या बोल दिया है मैंने, इतना भयंकर पाप, कैसे मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी बच्चों। वाटर वैस्कुलर सिस्टम की हेल्प से यहाँ से ट्यूब फिट, तभी तो होल्ड कर पा रहे हैं इसको, बिकॉज ऑफ द वाटर वैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि सक्शन है ट्यूब फिट में, सो इट हेल्प्स इन कैप्चर ऑफ प्रे, यू अंडरस्टैंड। ओके सो वेयर आर वी, वेयर आर वी, वेयर आर वी, हियर। सो द थर्ड फैसिनेटिंग फंक्शन इज कैप्चर ऑफ प्रे। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। खत्म है अपना इकानोडर मेटा चैप्टर ही खत्म है। ओके नाउ ओके 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 लेट्स कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हो बच्चों तुम, है चलो छोड़ो, आओ एनसीईआरटी पढ़ते हैं। आओ, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैम मेरे मेरे को बताओ मॉडलिंग में कोई फ्यूचर है कि नहीं है। चलो आओ बात करते हैं, अब देखते हैं अपने को कितना आता है। ये शुरू करें, दीज एनिमल्स हैव एंडोस्केलेटन, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है ना, ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। कैल्केरियस क्या होता है भाई लोगों, आई होप कैल्केरियस वर्ड से अभी तक तुम वाकिफ हो चुके हो। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। ओके कैल्केरियस कहाँ गया, मेड अप ऑफ कैल्शियम। ओके हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि वो कैल्केरियस ऑसिकल्स ऊपर भी चुभती होती हैं, इसलिए उनका नाम इकाइनोडर्मेटा होता है। स्पाइनी बॉडीड, ऑल आर मरीन, ये बात याद रखना है, एक्सक्लूसिवली मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये अपने को पता है। ऑल एडल्ट इकाइनोडर्मेटा आर रेडिली सिमेट्रिकल, ये अपने को पता है, बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। जरा ये ध्यान रखना, ऐसा तुम्हें एक ही फाइलम मिल रहा है, लार्वा इज बायलेटरली सिमेट्रिकल, एडल्ट इज रेडियल सिमेट्रिकल, खासकर एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है सिर्फ एक ही फाइलम के लिए, बाकी फाइलम्स हैं नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, अपन ये सारी बातें कवर करी हैं अभी। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर साइड, वेंट्रल साइड, एंड एनस ऑन द अपर साइड, ये भी अपन ने बात कर लिया। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकानोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन, किस किस में काम आता है अभी अपन ने पढ़ा है, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ट्यूब फीड से रेस्पिरेशन भी हो जाती है ना थोड़ी थोड़ी। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एबसेंट, ये भी अपन ने बात कर लिया है ना। सेक्सेस आर सेपरेट, अच्छा भाई लोग इनमें हर्माफ्रोडिटिज्म का जमाना जा चुका है, ठीक है। मोलस्का ने हालांकि बहुत गंद मचाया था, याद है ना, एप्लाइजिया और सी हेयर, एप्लाइजिया और डोरिस सी लेमन में हर्माफ्रोडिटिज्म छा गया था मोलस्का में, तो मोलस्क के कुछ मेंबर हर्माफ्रोडाइट थे, ज्यादातर डायोशियस थे, लेकिन इकाइनोडर्मेट ने कहा आई विल नॉट टॉलरेट इट, प्लीज ऑल स्टार फिश आर इधर फीमेल्स और मेल्स, देर आर नॉट नो हर्माफ्रोडाइट स्टार फिशेस, ऑल दो देर आर बट दे आर नॉट इन योर सिलेबस। ओके सो यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, नो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, अब ये कैसे याद करेंगे, देखो एनसीईआरटी में तीन फाइलम्स के लिए बात लिखी गई है दैट फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, और कहीं लिखी नहीं है, कौन सी तीन फाइलम्स है वो, नाइडेरिया, नहीं आई एम सॉरी नाइडेरिया को वापस ले रही हूं मैं, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, इन तीन फाइलम्स के लिए एनसीईआरटी कह रही है दे आर यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इन्हीं तीन फाइलम्स के लिए एनसीईआरटी ये कह रही है दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, इस दोनों बातों को अपने को कनेक्ट करना है अपने दिमाग में, नहीं तो नीट का क्वेश्चन गलत हो सकता है। कैसे, मैं कैसे कनेक्ट करती हूँ, पहले ही बता चुकी, तुम्हें फिर से बता देती हूँ कि एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम्स को इंसानों का कोई डर नहीं होता, क्योंकि हम समुद्र में बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, है ना, क्योंकि समुद्र बहुत वास्ट है, हम सिर्फ नदियों तक अपने आप को सीमित रखते हैं जनरली, सो ये बहुत ही बेशर्म हो जाती है एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम्स, वो कहती है कोई तो है नहीं हमें देखने वाला, क्या करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सब बाहर कर डालो, ठीक है। तो दे बिकम वेरी शेमलेस एंड दे हैव देयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन,
क्यों करना है इंटरनेट, क्यों छुपा छुपा के फर्टिलाइजेशन करना है? सो ऑल एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम्स हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, प्लीज रिमेंबर इट. ओके, नाउ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. लार्वल स्टेजेस होती हैं विद फ्री स्विमिंग लार्वा. भैया स्टारफिश के बहुत सारे लार्वा होते हैं, कोई नाम नहीं करना, एक भी लार्वा नहीं पढ़ना, जरा सा भी नहीं पढ़ना. नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी. ठीक है, एग्जाम्पल एस्टेरिया स्टारफिश तुम देख चुके हो, इखाइनस एंटीडॉन क्यूक्यूमेरिया एंड इफ्यूरा. तुमने देखा तो होगा नहीं कभी, है ना? इतने हम क्यूरियस थोड़े भी हैं कि हम नेट पे खोल खोल के देखें कैसे दिखेंगे एनिमल्स. बट मैं तुम्हारी लेजीनेस को जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ डायग्राम्स. चलो चलो चलो. ओके, सो ये डायग्राम पहचान दे यदि नीट में आ गए. ये हमारी स्टारफिश है एस्टेरियस. एस्टर से वर्ड से आया है, एस्टर मतलब स्टार, स्टारफिश. दिस इज ऑफ्यूरा. ऑफ्यूरा स्टारफिश में फर्क क्या है? देखो स्टारफिश में सेंट्रल डिस्क अलग से नहीं दिखती, ऑफ्यूरा में सेंट्रल डिस्क अलग है एंड इसकी बाजू ऐसे अलग है लाइक दिस. सो शी इज वेरी डिस्टिंक्टिवली सेपरेट फ्रॉम स्टारफिश. ओके, अब इसको याद कैसे करना है? इसको ब्रिटल स्टार भी कहते हैं. ब्रिटल स्टार, ब्रिटल क्या होता है? जो बहुत ईजिली टूट जाते हैं, और होता भी यही है, ये अपनी बाजू में बहुत ईजिली तोड़ लेती है. तो अब तुम्हें याद कैसे करना है ऑफ्यूरा? देखो ऑफ्यूरा को मैं याद करती हूँ फ्यूरी से. फ्यूरी क्या होता है? गुस्सा. फ्यूरी गुस्सा. तो इसको इतना गुस्सा आता है, ऐसे इतना गुस्सा आता है कि गुस्से गुस्से में अपनी ही बाजू तोड़ लेती है. मैं तो ऐसे याद करती हूँ, तुम कैसे भी कर सकते हो. सो ऑफ्यूरा इज ब्रिटल स्टार. आओ आओ आओ. सो दिस गाय हियर इज सी क्यूकम्बर. डजंट लुक लाइक क्यूकम्बर, लुक्स लाइक अ बिग बैड डर्टी वॉर्म. बट दिस गाय इज सी क्यूकम्बर. क्यूक्यूमेरिया, सी क्यूक्यूम्बर. तुम्हें लग रहा है कि मैम ये तो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, परंतु नहीं है बेटा, ये रेडियली सिमेट्रिकल है. इसकी स्टोरी किसी दिन और समझाऊंगी, आज थोड़ा समय कम है. ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल है. इसको पता नहीं चाइना चुइना में स्ट्रीट फूड की तरह खाते हैं. सो मस्त तुम्हें सी क्यूकम्बर पकते हुए नजर आते हैं वहां पे. ओके, नाउ दिस गाय हियर डजंट लुक वेरी ब्यूटीफुल, है ना? दिस गाय इज कॉल्ड एंटीडॉन. एंटीडॉन बिकॉज इट्स लाइक एन एंटीना, इट्स लाइक अ जाइंट एंटीना, है ना? देखो इसकी जो बाजू है इस पे कितने सारे एंटीने ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे लाइक दिस. इट्स लाइक अ जाइंट एंटीना. बट इट हैज अ वेरी गुड, एंटीडॉन इसका नाम है, बट इट हैज अ वेरी गुड नेम कॉल्ड सी लिली. नाउ यू थिंक शी डजंट, शी इज नॉट इवन ब्यूटीफुल. व्हाई लिली? बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी गुड पिक्चर ऑफ हर. दिस इज अ गुड पिक्चर ऑफ हर. नाउ यू कैन सी व्हाई शी इज कॉल्ड सी लिली. एंटीडॉन, सी लिली. एंटीने से याद रखना है, इसकी जो बाजू होती है वो ब्रांच्ड होती हैं, एंटीना से याद रखना है. ठीक है, सी लिली एंटीडॉन. एंड फाइनली दिस गाय इज कॉल्ड इकहाइनस. इसने सोचा कि यार मेरा नाम तो पड़ ही गया है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, क्यों ना मैं इसे लिटरली ले लूँ और मतलब जिंदगी, दुनिया की जिंदगी बर्बाद कर दूँ, इतने बड़े बड़े स्पाइंस क्रिएट कर दूँ. दिस गाय लिटरली हैज स्पाइंस लाइक दिस बिग. उसने कहा नाम तो पड़ ही गया है स्पाइनी स्किंड, क्यों ना मैं रियली में स्पाइनी बन जाऊं लाइक दिस. दिस गाय इज क्रेजी, राइट? सो हिज नेम इज इकहाइनस सी अर्चन. ओके 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 ओके, आई हैव टू गो नाउ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास. ओके, नाउ आई विल सी यू एट 6 PM. मैं तुम्हें 6 बजे मिलूंगी और होपफुली आज हम गैस्ट्रुलेशन और पार्चुरेशन पूरा पढ़ पाएंगे. होपफुली सही से हमारी क्लास चलेगी. ओके, सो 6 बजे मिलती हूँ मैं तुम लोगों को. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अब नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझसे तुम पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो तुम्हारी बायोलॉजी में 4 चांद लग जाएंगे और लिटरली लग जाएंगे, तो तुम मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो 2-3 दिन के अंदर चालू कर रही हूँ मैं. ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए तुम्हें क्रैश इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी प्लस का. 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, काफ़ी है. ठीक है, 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन या कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, चाहे 1 साल अगर +1 के स्टूडेंट है तो 1 ईयर इज मोर बेनिफिशियल. अगर 2 ईयर्स पढ़ना चाहते हो तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आपको पर मंथ के हिसाब से सबसे सस्ता पड़ता है, 43,200 में 2 ईयर्स. ठीक है, सो 24 मंथ्स के हिसाब से सबसे सस्ता वही पड़ता है. सो आप डिपेंड करता है आप कब अपना अटेम्प्ट दे रहे हो उसके हिसाब से. सो जो भी तुम सब्सक्रिप्शन लेना चाहो ये कोड डाल देना बेटा, तभी मेरी क्लास में
आप आ पाएंगे, रितु लाइव कोड डालेंगे तभी मेरी क्लास में आ पाएंगे, तभी आपको मेरे नोट्स मिलेंगे, तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा अपनी फीस में, और तभी ये बता चुके मेरी क्लास में तुम आ चुके हो, आ जाओगे. ओके, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू एट 6 PM. बाय बाय. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट तुमको मेरी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे. अगर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पे भी आ जाओ, तब तुम्हें छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना के मैं डालती रहती हूँ, हाँ बच्चों मैं ये पढ़ाने वाली हूँ इस तरीके से, सो तुम्हें पता चलता रहता है आज किस चीज़ की क्लासेज हैं. ओके, सो आई विल सी यू एट 6 PM. थैंक यू सो मच, बाय बाय.